अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सईद खान न्याजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिल्म स्टार शान, उसकी बेटी फिल्मों में क्यों आई, क्या उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल फिल्मी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ताज़ातरीन वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है ये आप तक पहुँचती रहें। हाँ दोस्तों, फिल्म स्टार शान शाहिद ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही ज़बरदस्त वक्त गुजारा और सफ़े अव्वल के हीरो थे और जिन्हें किंग ऑफ लॉलीवुड भी कहा जाता है, शान ए पाकिस्तान। तो दोस्तों, एक तकरीब में शान की बेटी ने शान साहब के सामने एक डांस की परफॉर्मेंस दी, बहुत सारे लोग उधर जमा थे। और उसके बाद दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि शान की बेटी अब उन्होंने फिल्मों में आने का बाकायदा तौर पर इरादा कर लिया और फैसला कर लिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, दुनिया किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मेरा एतराज़ है। बेशक शान साहब एक अच्छे सुपरस्टार थे, उनकी वालदा जो थी नीलू बेगम, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन थी। उनके वालिद साहब का ताल्लुक भी, रियाज शाहिद का ताल्लुक भी फिल्म इंडस्ट्री से ही था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त का ज़माना और आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त का जो ज़माना था वो भले लोगों का ज़माना था, लेकिन आजकल जितनी बेगैरतियाँ या जितनी गलत बातें आजकल की फ़िल्म इंडस्ट्री या आजकल के माशरे में हैं, तो किसी एक इज़्ज़तदार आदमी को डिज़र्व नहीं करता कि वो अपनी किसी माँ या बहन को फ़िल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करवाए या उसे सोशल मीडिया, ओ सॉरी सोशल नहीं, ये बॉक्स ऑफिस में उसको भेजे। तो मेरे मामा राना के साथ काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात है। मैं मामा राना को इतना अच्छा आदमी भी नहीं समझता, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर मोहम्मद राना की मैं तारीफ़ करूँगा कि उसने अपनी बेटी का वक्त के साथ ही उसकी शादी करा के उसको घर की औरत बना दिया, ठीक है। इस तरह बाबर अली ने भी इसे ऐसे ही किया कि उसने भी अपनी जवान बेटी को फिल्म में आने नहीं दिया। तो शान को भी अब सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि क्या होता है, दिन को क्या होता है, रात को क्या होता है। हमारे एक हमने कई सुनी बातें देखी हैं, ठीक है। हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। जब दोस्तों आप अपनी आंखों के साथ इस फिल्म इंडस्ट्री को देख लोगे ना, तो आप अपने कानों पर हाथ लगाओगे। तो कोई भी इज़्ज़तदार शख्स जो है, उसको अपनी माँ बहन बेटी को इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, मैं शान के आगे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी वीडियो पहुँचती है तो प्लीज़ अपनी इन बेटियों को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखें। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक सईद खान न्याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।